मूवी का पोस्टर देख के तो लग रहा था फ्रेंड्स कि किसी अंडरगारमेंट्स की एड चल रही है, लिटरली वैसा लग रहा था। करेंगे। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी एक विलन रिटर्न्स का ट्रेलर देखा और आप लोगों की छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ उसके पहले। जब मैं 17-18 साल का हुआ करता था तब मैंने एक मूवी देखी थी, एक विलन, ठीक है। उससे पहले मेरी मेंटेलिटी ये थी कि विलन जो होते हैं वो खाली मार खाने के लिए होते हैं और हीरो हीरोइन को एक लाने के लिए होते हैं, ठीक है। ये मेरी मेंटेलिटी थी और हीरो की जो पहचान थी मेरे दिमाग में उस टाइम पे, 17-18 साल का लड़का, आप सोचो हीरो की क्या पहचान होगी। मतलब मेरे हिसाब से वही होता था कि बॉडी है, स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, फाइट करता है, बस वही मेरे दिमाग में एक पहचान थी हीरो की। लेकिन एक विलन देखने के बाद और रितेश देशमुख की एक्टिंग देखने के बाद लिटरली मेरा माइंडसेट पूरी तरीके से चेंज हो गया, ठीक है। प्लीज वीडियो को थोड़ा पूरा देखिएगा। मेरा माइंडसेट पूरा चेंज हो गया कि यार विलन भी एक टाइप का हीरो ही होता है और वो भी मूवीज में उतना ही अच्छा रोल कर सकता है। उसके बाद हमने जोकर जैसी मूवीज देखी जिसमें आउटस्टैंडिंग रोल किया विलन्स ने, लेकिन फिर भी एक विलन मेरी पहली मूवी थी जो विलन ओरिएंटेड मूवी थी, ठीक है। विलन ओरिएंटेड मूवी मतलब जिसमें विलन को एज अ हीरो दिखाया गया, लेकिन बाद में उसका बुरा हाल हुआ वो बात अलग है, वो तो हर बॉलीवुड मूवीज में होता है। लेकिन फिर भी वो मूवीज ने मेरे दिमाग में जो पहुंचा दिया ना वो एक करंट कि विलन भी अच्छा हो सकता है, मतलब उससे भी मूवी चल सकती है, तो वो भाई साहब मेरे दिमाग में रह गया। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये ट्रेलर देखा तो अर्जुन कपूर और जॉनी इब्राहिम की एक्टिंग मुझे ठीक लग रही है, ठीक है। तारा सुतारा और दिशा पटानी वो भी अच्छी लग रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों दोनों को खाली बस फिगर और हॉटनेस और थोड़ा गर्मी बढ़ाने के लिए रखा है मूवी में, बाकी तो काम हीरो लोगों का ही दिख रहा है मुझे उसमें ज़्यादा। एक्चुअली ये टी सीरीज की मूवी है, इसमें एकता कपूर भी प्रोड्यूसर है, उसकी वाइफ भी जो टी सीरीज वाले की वाइफ है वो भी उसमें प्रोड्यूसर है। तो टी सीरीज वालों के मूवीज से मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि वो खाली एक मसाला मूवी है, थोड़ा बहुत मसाला मिल जाएगा आपको, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी ये मूवी में जॉनी इब्राहिम काफी अच्छे लग रहे हैं, स्पेशली वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अर्जुन कपूर भी काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। एक चीज हमने बोल लेनी चाहिए कि अर्जुन कपूर भी वर्क कर रहे हैं अपने पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने डायलॉग्स डिलीवरी के ऊपर, तो हम लोगों ने चांस देना चाहिए यार। मैंने लिटरली उन लोगों का मैंने इंस्टाग्राम ओपन करके देखा, वो एक विलन के रिटर्न के पोस्टर का, भाई साहब जो लोगों ने गंद फैलाई है ना, मतलब छोड़ दो यार, बहुत गंदे गंदे कमेंट्स किए। मैं बोलता हूं यार इतना भी हेट मत दो किसी एक्टर को, लेट इट बी, उसको थोड़ा करने दो यार, हो जाएगा। मतलब आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, हम भी तो एंजॉय करते हैं उनकी मूवीज, तो प्लीज उन लोगों को इतना भी हेट मत दो। मूवी का ट्रेलर आया है, एंजॉय करो, पसंद है देखो, नहीं पसंद है थोड़ा बहुत बोलो, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज मत करो। ऐसा क्रिटिसाइज मत करो कि वो हीरो को अगले मूवी में वो सब चीजें याद आए, मतलब जो उसने पहले किया वो याद आया। एक्चुअली वो होना नहीं चाहिए लेकिन आजकल वो बॉलीवुड में हो रहा है, बहुत लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन ट्रेलर मुझे ठीक ठाक लगा, ठीक है। एक्शन सीन्स जो बीच बीच में है वो भी अच्छे लगे। उसको थोड़ा सा हॉरर टाइप बनाने का ट्राई किया इन लोगों ने, मतलब वो मास्क वास्क का पकड़ के थोड़ा हॉरर टाइप बनाने का ट्राई किया, लेकिन फिर भी ठीक है। मतलब देख सकते हैं हम लोग कि क्या हो सकता है अभी इस मूवी में, क्योंकि एक विलन ने जो एक्सपेक्टेशन बनाई है ना हमारे दिमाग में सेकंड मूवी को लेके, वो बहुत बड़ी है। और मैं नहीं मानता कि जॉन अब्राहम और अर्जुन कपूर रितेश देशमुख के तोड़ के हीरो है, लेकिन फिर भी वो लोग अपना बेस्ट देंगे और हम लोग अपना बेस्ट देंगे ये मूवी देख के। ये कोई मेरा पेड रिव्यू नहीं है, ठीक है ना, तो बाकी लोगों की तरह समझोगे, लेकिन हाँ मेरा पेड रिव्यू नहीं है, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि हम लोग उनको एक ट्राई देंगे, देखेंगे मूवी कैसी है, और अगर मूवी अच्छी होती है तो हम अप्रिशिएट करेंगे और बुरी होती है तो फाड़ देंगे। तो ठीक है गाइज, इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए क्योंकि मेरे ऐसे ही वीडियोज आपको मिलती रहेंगे अच्छे अच्छे। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, जय हिंद।